दोस्तों संजीव चड्ढा जी हमारे पास जब आए थे तो कुछ प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आए थे, एक दो आइटम्स ले आए थे, लेकिन आज काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो लेके आए हैं और इनका जो होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे पे बहुत सारी कॉल्स आई थी कि हम भी इसका भी काम करेंगे। तो आज जानते हैं इनके होलसेल रेट, रिटेल रेट और ये कहाँ कहाँ डिलीवर कराएंगे, ये भी बताएंगे इस बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। वेलकम टू माय चैनल सुंदर स्वीट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये हमारे संजीव चड्ढा जी हैं, जो उस दिन भी मुलाकात हुई थी आपसे, फोन पे मैंने कराई थी वीडियो में, लेकिन आज जानते हैं इसके बारे में। इसका नाम भी बताएंगे और वजन भी बताएंगे कितना है। संजीव चड्ढा जी आइटम्स का नाम बताएं क्या। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ऐसा है कि आज मेरे कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज में लेके आया हूँ, उसके अंदर ये मेरे पास मरोड़ी है, 250 ग्राम वजन में है ये। ओके ओके। एक ये टोस्ट है, ये मिल्क टोस्ट होता है, ये 250 ग्राम में भी मिल सकता है, 400 में भी, 200 में भी। आज जो इसकी स्टैंडर्ड पैकिंग है 400 ग्राम्स की पैकिंग है। ऐसे ही ये इसको पफ बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको फैन बोलते हैं, ये भी स्टैंडर्ड पैकिंग 250 ग्राम में आता है। इसके बाद ये छोटा रस है, इसकी भी स्टैंडर्ड पैकिंग 400 ग्राम्स की है, 200 ग्राम में भी आता है, 100 में भी आता है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे हम पैक करके दे देते हैं। रस है, इसको गट्टू रस बोलते हैं, यही 200 ग्राम पैकिंग के अंदर भी आता है। संजीव चड्ढा जी ने जैसा कि ये बताया था, इनका वजन अलग अलग है और आप इसका होलसेल का बिजनेस, दिल्ली वाले तो लेते ही है इनसे, कीर्तिनगर में इनकी फैक्ट्री है, लेकिन दिल्ली से बाहर भी ये बेच देते हैं। दोस्तों ये उस दिन नहीं लेके आए थे ये आइटम्स, आप देख रहे हैं सारे, लेकिन मेरे पास ये दो दो पेटी हर आइटम की लेके आए हैं और ये कि मैं इनको आपके घर तक भेज सकता हूँ, सैंपल भी भेज सकता हूँ और पूरा माल भी आप तक पहुँचा दूंगा। रेट आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, जो होलसेल रेट हैं भाई वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि व्यूवर्स जो देख रहे हैं होलसेल के व्यापारी हैं, जो होलसेल का काम करते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप वीडियो में सारे रेट बता देते हो तो हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि कस्टमर तक पता चल जाता है। रेट जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसके रेट दे दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि ये फैक्ट्री है, हम कोरियर चार्ज कितना लेते हैं, कोरियर चार्ज क्या है? कोरियर चार्ज केजी के हिसाब से है, तकरीबन 70 से 100 रुपये के बीच में आता है। चड्ढा साहब जी का कहना है कि आप पहले अगर कोई भी माल लेने जाते हो, आप खुद कहते हो कि माल दिखाओ, अगर माल अच्छा लगता है तो आप माल लेते हैं, इसी तरह सैंपल मंगा लें इनसे, थोड़े बहुत जितने भी सैंपल मंगाना थोड़ा सा मंगा कर अपनी संतुष्टि कर लें, मार्केट में चेक कराएं कि बिकता है या नहीं बिकता है। क्यों चड्ढा साहब? इसका बिकने ना बिकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आज आप अपने घर से बाहर भी जाते हैं तो बेसिक आइटम है ये, सुबह की शुरुआत ही रस और फैन से होती है, इसलिए आपको कहने की जरूरत ही नहीं। तो ये माल बिकेगा? तो बिका ही हुआ है जी माल, और ये जो चीज़ और जो क्वालिटी मैं दे रहा हूँ, पहले आप खुद खाएं उसके बाद ग्राहक को दें। चड्ढा साहब के मुँह से आपने सुना कि ये माल की गारंटी है, हंस के बिकेगा, कोई भी अगर सैंपल मंगाता है या माल भी लेता है डायरेक्ट, अगर किसी ने पहले से काम कर रखा है, बेचते हैं तो माल भी मंगा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन जो नए हैं वो कैसे मंगाएंगे, थोड़ा बहुत कोरियर द्वारा मंगा लें, चेक कर लें, उसके बाद माल का ऑर्डर दे दें। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने किसी भी बिजनेस का, देखो बिजनेस करने के लिए कई प्लेटफॉर्म है, कई लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे, बिल्कुल बिल्कुल, और काम नहीं चलता, उनको कैसा लगता है? उनको समझ ही नहीं आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये डेली चीज़ है, रोज़ यूज़ होने वाली है, रोज़ ख़त्म होगी, आपसे दुकानदार मांगेगा ही मांगेगा, क्वालिटी और टेस्ट की वजह से। जिनका दोस्तों काम मंदा है, काम नहीं चल रहा, उनकी कुछ टिप्स मैं बता दूंगा कि वो किस तरीके से ऑनलाइन अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि हर किसी का बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चले, लेकिन कोई बिजनेस अगर मेरे से ऐड कराना चाहता है तो मेरी दुकान पर आ सकते हैं, वो फ्री में प्रमोशन करूँगा उसका। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर भाई तक पहुँच सके और जो लोग बेरोजगार हैं उनको काम मिल सके। चड्ढा साहब कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस? बहुत बहुत बढ़िया, राठौर जी का साथ दें, इनके साथ जुड़ के अच्छे से अच्छा काम करें, इनके पास प्रोडक्ट रेंज और लोग दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू ऑडियंस, धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपने सुंदर स्वीट चैनल को सब्सक्राइब किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।